देख यार बुरा मत मान, पर तुमसे एक बात कहनी थी। तुम लोगों को मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट हो क्या जाता है? क्या मतलब? क्या मतलब पूछ रहे? तुम लोग यानी कि केकेआर और मुंबई इंडियंस एक दूसरे के साथ 28 मैचेस खेल चुके हैं और उसमें तुम लोग 22 बार हारे हो। वो लास्ट मोमेंट पे मैच पलटा देते तो हम क्या करें? मुंबई इंडियंस से लीग स्टेज में हारते हैं। तुमसे तो अच्छा ही है, तुम लोग तो मुंबई इंडियंस से सीधा फाइनल्स में हारते हो। पर सीएसके एटलीस्ट कंसिस्टेंटली फाइनल्स तो पहुंचती है, केकेआर के तो क्वालिफाई होने के वांदे रहते हैं। हमारे पास शुभमन गिल है, दीपक चहर है, फिर मॉर्गन है, तो है ना हम लोग के पास जद्दू वगैरह, रैना, धोनी, सब कुछ है। बस बस जो भी प्लेयर्स हैं फील्ड पे देख लेंगे, मैं इसको ये वीडियो में देख लेता हूँ। लेट्स गो, मैं पहला सीन प्ले करता हूँ, फटाफट सब्सक्राइब कर दो, बाय। अरे पता है क्या, कल ना मैं तुम लोग के उस दिन वाले मैच के हाइलाइट्स देख रहा था। कौन सी? वो ओपनर एसआरएच को क्या मस्त हराया। अरे नहीं नहीं नहीं, वो वाली नहीं। अच्छा तो कौन सी मैच? हो मुंबई इंडियंस वाली? हाँ मुंबई इंडियंस वाली मैच। क्या यार तुम केकेआर वाले मुंबई इंडियंस से कैसे हारे? मतलब तेरा बोलने का मतलब क्या है? मुंबई इंडियंस से हारे, डिफेंडिंग चैंपियन है वो, अच्छी टीम है। हाँ टीम अच्छी है, डिफेंडिंग चैंपियंस भी है, पर तुम लोग के हाथ की मैच थी यार। हाँ पर वो, हाँ पर वो वगैरह कुछ सुनना ही नहीं है यार, कितने एक्सक्यूजेस दोगे? तुम लोग को 30 बॉल्स में बस 35 रन चाहिए थे और ऊपर से रसेल और कार्तिक क्रीज पे थे। रसेल और कार्तिक स्ट्राइक पे थे वो ठीक है, पर बॉलिंग तो बुमराह और बोल्ट कर रहे थे ना। कोई भी बॉलर हो, आईपीएल में टेस्ट मैच वाली बैटिंग ऐसे कौन सी टीम करती है? बताना। बताओ। हाँ बताना, सच्ची बताओ। हाँ बताना। देखा मैं बता दूंगा। अरे बताना कौन सी टीम। ओके देख, मैं सिर्फ इतना ही बोल रही हूँ कि तुम लोग के पास ऐसे खतरनाक वाले फॉरेन बॉलर्स नहीं है, यू नो लाइक बोल्ट, रबाडा या फिर नॉर्किया जैसे। हाँ तो क्या हुआ, हमारे पास ना उन्हें टक्कर देने के लिए शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर है। हाँ ठीक है तुम लोग के पास शार्दुल और दीपक है, बट वो दोनों इतना थोड़ी डैमेज कर सकते है। जाके पंजाब किंग्स वाले को पूछ, 26 रन में 5 विकेट निकाले थे। बात कर। हाँ पर तेरा कोई भी बॉलर बॉलिंग करे, हमारे आंद्रे रसल को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उससे भी धो डालेगा। देख एक बात बता, तेरे को सच्ची सच्ची लगता है क्या कि तेरा आंद्रे रसल शार्दुल ठाकुर या फिर दीपक चहर को मार सकता है? अरे सिर्फ दीपक और शार्दुल क्या, तेरे जद्दू और मोइन अली को भी पेल देगा। क्या हुआ? देख भाई तेरा आंद्रे रसल ना कितना भी खतरनाक हो, उसे रोकने के लिए हमारे बॉलर्स ने स्टंप के पीछे खड़ा धोनी काफी है। सुनना, तेरी हेल्प चाहिए थी। क्यों, क्या हुआ? मैच जीतने के टिप्स चाहिए? नहीं दूंगी। ए, चल चल, मेरे एक्सपीरियंस प्लेयर्स ना तेरी यंगस्टर्स को ऐसा हरा देंगे ऐसा। अरे तुझे खुद पे इतना कॉन्फिडेंस है तो तुझे मेरी हेल्प क्यों चाहिए? अरे वो यहाँ पर फैंटेसी टीम बनानी थी। अरे कौन से मैच के लिए? अपनी ना, तो इतना मुश्किल क्या है उसमें, सीधे मेरे केकेआर के प्लेयर्स उठा ले। अरे यार क्या टाइम वेस्ट कर रही है तू। अच्छा छोड़, तू मुझे ये बता तू कौन से आपका टीम बना रहा है? अरे हर वीडियो में तो बताता हूँ, माय 11 सर्कल पर। अरे तुझे बता ऐसा क्या स्पेशल है माय 11 सर्कल में? अरे यूनिक फीचर तो ये है कि माय 11 सर्कल पे हम लोग चैंपियन क्रिकेटर्स के साथ खेल सकते हैं, जैसे वीवीएस लक्ष्मण सर, रहाणे और गांगुली सर के अगेंस्ट। अरे वाह,
क्या लेजेंडरी प्लेयर्स है यार? अरे नहीं, वही तो बात है, सिर्फ लेजेंडरी प्लेयर्स नहीं है, रिसेंटली माय 11 सर्कल ने किंग ऑफ एनर्जी और ऑसमनेस को लाया है, रणवीर सिंह। अरे सही है, रणवीर सिंह। बट मुझे एक बात बता, ये ऐप खेलना कैसे है? अरे वो तो बहुत इजी है, जो भी दो टीम्स के बीच में मैच होगी ना, उन दोनों टीम्स में से तुझे 11 प्लेयर्स चूज करने हैं और खुद की अपनी एक टीम बनानी है। और अब तो अपना इंडियन T20 लीग भी चालू है, तो अभी 1 करोड़ जीतने के लिए बस 1 रुपए चाहिए। यकीन हो रहा है? बस 1 रुपए। सही है यार। और माय 11 सर्कल पे मेगा लीडर बोर्ड का फर्स्ट प्राइज तो सीधा 2 करोड़ रुपए है, और अगर VVS लक्ष्मण सर के टीम को बीट किया ना, तो प्राइज अमाउंट इज 5 times। अरे अब तो मैं ये गेम जरूर खेलूंगी। और ऊपर से तुम जैसे ही गेम डाउनलोड करोगे ना, तुम्हें 1500 rupees का वेलकम बोनस दिया जाएगा, और खास कुकी वे के जो व्यूअर्स है ना, आप लोगों को 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगी ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। और जो भी विनिंग अमाउंट तुम ये फैंटेसी गेम से जीतोगे ना, वो अमाउंट डायरेक्टली तुम्हारे बैंक में क्रेडिट होगा। और अब टेंशन मत लो, ये काफी सिक्योर है और सेफ है, मैंने खुद ट्राई किया है। सो ये वो गेम के विनर्स हैं जो करोड़पति बन गए माय 11 सर्कल की वजह से। तो आप लोग अब किसका वेट कर रहे हो? लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से जाओ और माय 11 सर्कल को डाउनलोड करो। ये माय 11 सर्कल इधर डाउनलोड कर रही हूं मैं, तब तक तू मुझे बता कि तुझे क्या हेल्प चाहिए थी मेरी। अरे हेल्प यही चीज में चाहिए थी कि KKR और CSK की जो मैच है ना, दोनों टीम के प्लेयर्स काफी अच्छे हैं यार, तो किसे चूज करूं? अरे ज्यादा मुश्किल नहीं है, अपने अपने स्टार प्लेयर्स के अलावा बॉलर तेरे उठा और बैट्समैन मेरे। वाह, बैट्समैन तेरे क्यों? हमारे CSK का ऋतुराज गायकवाड़ भी तो काफी टैलेंटेड है, वो भी तो अच्छा स्कोर कर सकता है ना। हाँ तेरा ऋतुराज गायकवाड़ काफी टैलेंटेड है, पर फर्क यही है कि ऋतुराज अच्छा स्कोर कर सकता है, पर गिल और राणा अच्छा स्कोर करेंगे, गारंटी है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। ऑल्सो कमेंट करके मुझे ये बता दो कि आपका फेवरेट सीन कौन सा था। आई एम श्योर आपका वही रहेगा जहां पर मैंने KKR की खिंचाई करी है, क्योंकि ठीक है हमारे साइड से सिर्फ वो एक पंच ही काफी था। चल वो एक वो टेस्ट मैच क्या, तुम लोग 4 साल से एक ही जोक लेके जाते, ऐसा थोड़ी चलता है। ठीक है वो, ठीक है हम लोग का तो चलता ही रहेगा। आप लोग बता दो ये मैच में कौन ज्यादा विकेट लेगा। और इतना ही नहीं तो ये भी बताओ कि हाईएस्ट रन स्कोरर कितना होगा। कमेंट्स में स्पैम कर दो कि मैन ऑफ द मैच कौन होगा, सब कुछ कमेंट कर दो। और एंगेजमेंट बढ़ते तो हमारे भी व्यूज बढ़ते, तो फटाफट कर दो। बाय गाइस। माय 11 सर्कल ऐप डाउनलोड किया कि नहीं? और अगर नहीं किया होगा तो फटाफट जा डाउनलोड करो, लिंक हम लोग ने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी डाल दिया, पिन कर दिया, फटाफट डाउनलोड करो। और अगर आप लोग वो लिंक से अगर जाओगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगी ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। तो वेट किसका कर रहे हो, फटाफट जा डाउनलोड करो। बाय बाय। दिस गेम हैज एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले एट योर ओन रिस्क एंड बी रिस्पॉन्सिबल।